हरे कृष्णा। आप लोग सभी को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं श्लोक बाय श्लोक। और आज का श्लोक संख्या है अध्याय एक श्लोक संख्या 31। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे न कंक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अनुवाद ट्रांसलेशन। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। कल पढ़ा हमने कि अर्जुन गांडीव, तो उसका हाथ से फिसल गया है और वो लैमेंट कर रहा है, दुख का हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि उसको ये लड़ाई नहीं लड़ना है, उसको युद्ध नहीं लड़ना है। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को सामने देख के, ही इज हैविंग अ पैनिक अटैक। अर्जुन को भी एक प्रकार से एक पैनिक अटैक हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध। शिल प्रभुपाद अच्छे से बताते हैं कि स्वजन मतलब क्या है। टेल मी, आप लोग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वजन? स्व मतलब अपना, जन यानी कि पीपल। सो अपना कौन है? लिटरली लाइक अपना कौन है? क्या अपना देश वाला अपना है, या क्या अपना जेंडर अपना है, या क्या अपना स्टेट वाला अपना है, या क्या अपना सिटी वाला अपना है, या अपना मोहल्ला वाला अपना है, या अपना दोस्त अपना है, या फैमिली अपना है? कौन अपना है? जब हम ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं, जब हमारे जो हम जो आत्मा है और हमारी शरीर छोड़ के जा रही है, तो किसी को लेके जाती है क्या साथ में? नहीं। तो वो स्वजन कैसे हो गया? वही आत्मा मेरे में है, वही आत्मा पशु, तो पशु भी स्वजन हो गया ना मेरा। एनिमल, अ डॉग, अ कैट, ये भी मेरे स्वजन हो गए, क्योंकि इन लोग का आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। तो ये स्वजन जो कनेक्शन है, स्वजन अपने किसको बोल रहा है? ये बॉडी से कनेक्ट हुआ तब स्वजन बोल रहे हैं अर्जुन। तो यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। यस, शारीरिक आकर्षितों, हम लोग को लगता है मेरे दोस्त रहेंगे तो मैं अच्छा रहूँगा, खुश रहूँगा। पति को लगता है कि पत्नी मुझे खुशी देगी, पत्नी को लगता है, स्त्री को लगता है कि पति मैं विवाह के बाद खुश होंगी, पेरेंट्स को लगता है कि पुत्र होंगे तो खुशी होगी। सो हम लोग को लगता है कि हमारे जो संबंधियों की जो आकर्षण है संबंधियों का, इससे हमें खुशी होगी। पर क्या ये हमें खुशी देती है? आई वॉन्ट यू टू थिंक, आप सोच के बताइए क्या ये आपको असली में खुशी देती है कि नहीं। तो ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। बिकॉज ऑफ इस कनेक्शन, देहात्म बुद्धि की वजह से वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। ये सही है ना, इस दुनिया में हम अकेले एंजॉय नहीं कर सकते। कोई भी जनरली अकेले एंजॉय नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। एंजॉय करने के लिए हमेशा
दो लोग होने चाहिए या फिर दोस्त होते हैं, बोलते हैं ना साथ में करने से मजा आता है। हाँ, सो जो भी कोई भी है, एक आदमी क्यों इतना मेहनत से काम कर रहा है, व्हाई इज ही वर्किंग फॉर हिज फैमिली, तो अकेले एंजॉय नहीं कर सकते। कहा जा अकेले सिर्फ वो एंजॉय कर सकते हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड हो, जिसको आत्मा में सुखी मिलती है, जो आत्मा राम हो। आत्मा राम मतलब, जो राम मतलब हैप्पीनेस, और आत्मा जो हमेशा खुश हो। तो आत्मा राम लोग अकेले, इफ दे आर अलोन दे आर हैप्पी, बट अ मटीरियलिस्ट अकेले नहीं मजे कर सकता। और यही अर्जुन बता रहा है कि अरे मैं इन लोग को मार दूं तो मैं किसके साथ एंजॉय करूं। तो कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। सन प्लैनेट सन ग्लोब के बारे में बताया गया। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो अत्यधिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो जो कुछ अच्छा काम करते लोग, उन लोग को हायर डेस्टिनेशन मिलता है। हायर डेस्टिनेशन, सन ग्लोब इज कंसिडर्ड अ हायर डेस्टिनेशन, या इसलिए बोल रहे हैं कि जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको इसका, इस चीज को प्राप्त होगा। पर यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहा है कि ही हैज फॉरगॉटन द मॉरल कोड्स ऑफ क्षत्रिय। एक क्षत्रिय धर्म को अर्जुन भूल गए हैं। बेसिक धर्म क्या है, जब क्षत्रिय को ललकारे तो उसे जाना पड़ता है लड़ने फर्स्ट। और क्या कि क्षत्रिय को जीने के लिए, व्हाट डज ही नीड, अ क्षत्रिय ही नीड्स अ लैंड टू गवर्न, टू टेक केयर, टू एडमिनिस्टर, दैट्स हिज ड्यूटी, दैट्स हिज पैशन, दैट्स हिज वे ऑफ लिविंग। या देयर इज द इंटेलेक्चुअल क्लास, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, द मर्केंटाइल क्लास एंड द वर्किंग क्लास। लेकिन अभी फिलहाल हम सब वर्किंग क्लास में जा रहे हैं, एक टैग लगा के, यूनिवर्सिटी का टैग लगा के हम सब कहीं पे नौकरी करना चाहते हैं। वी आर ऑल गोइंग वर्किंग क्लास, नोबडी, हार्डली कोई बिजनेस करते हैं, हार्डली कोई असली क्षत्रिय या असली ब्राह्मणत्व या इंटेलेक्चुअल क्लास को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ जन्म और जाति से हम क्षत्रिय या शूद्र या ब्राह्मण या वैश्य कोई नहीं होते। बर्थ से मेरा कास्ट क्रीड नहीं होता, मेरे कर्मों से होता है। इसलिए लोगों के सरनेम, लोगों के सरनेम क्या होते थे, जैसे गुप्ता है, मिश्रा है, शर्मा है, ये लोग सब उन लोग के नाम के अनुसार, उनके काम, जो काम है इसलिए वो सरनेम लगा है ना? अभी क्षत्रियों के सरनेम क्यों है, वीर, प्रताप, सिंह, क्यों ये लोग के, क्योंकि ये लोग बहादुरी है, नाम सुन के पता चलता है आदमी ने क्या काम किया। हाँ, बनिया का सरनेम क्या रहेगा, वो नाम पता चल जाता है कि अरे ये बनिया है। तो नाम का भी बड़ा महत्व है। तो जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, ये चीज आप लोग बॉयज हॉस्टल में ज्यादा देखेंगे, भूख नहीं लगेगा तो कोई भोजन नहीं बनाएगा। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया। हाँ, क्या बोल रहा है, अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ो। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने में उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह सोचता है कि वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। मींस ही इज ट्राइंग टू बिकम एस्केपिस्ट, जो अपना ड्यूटी से भाग रहा है और क्या बोलता है मैं सन्यास लूंगा। तो सन्यास ऐसा नहीं है कि आप लोग ड्यूटी नहीं कर पा रहे तो सन्यास ले सकते हैं, रिनाउंसिएशन, दैट्स रॉन्ग, दैट्स मंकी रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन तब करना है, डिटैचमेंट तब करना है, जब आपको वाकई में किस चीज का अटैचमेंट नहीं हो, जब आप जो आपके लाइफ स्टेज खत्म हो गया हो, या आपको जब अंदर से प्रेरणा आ रही है कि मुझे ये कर घर गृहस्थी में नहीं पढ़ना है, तब दैट टाइम यू कैन रिनाउंस, यू कैन टेक सन्यास। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निवार्य के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। यस, किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? यदि पांडवों को, आप लोग सोचिए, थिंक अबाउट इट, यदि पांडवों को 5 विलेज मिल जाता और दुर्योधन दे देता था,
जब शांति का प्रस्ताव लिया थे कृष्ण ने कि ठीक है इंद्रप्रस्थ मत दो, खंड वापस 5 गांव दो, तो दुर्योधन ने नहीं दिया। यदि दे देते तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। लेकिन ये दुर्योधना की जिद्दीपना है, दुर्योधन का जेलिस ग्रीडीनेस है, लोभी है, इसलिए उसको हार गया जिंदगी में। तो उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। Because he is not able to do his duty properly, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको लगता है कि ठीक है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जाता हूँ अभी सब छोड़ के सन्यासी बन जाता हूँ। पर ये सही नहीं है, क्योंकि अंदर की प्रवृत्ति द नेचर अब तक चेंज नहीं हुआ है। अब तक नेचर एंजॉयमेंट का है, अब तक नेचर भोग का है, तो वो नेचर कभी भी वापस आ जाएगा जब हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल होगा। इसलिए मरकट वैराग्य नहीं। तो अर्जुन क्या बोल रहा है इधर कि मैं नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसको कोई खुशी नहीं होगी इन लोग को मार के पाप होगा, तो मैं मेरे स्वजन के साथ कैसे एंजॉय करूं। बोल रहा है कि इन लोग को मार दिया, समझो मैं जीत गया, मतलब जीतने के लिए लड़ रहा है और जीत गया, तो मैं किसके साथ एंजॉय करूं। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट अर्जुन अभी लेके आए हैं। तो इसके साथ हम आज का अध्ययन को विराम दे सकते हैं। कल हम 32, 33, 34, 35 श्लोक, 4 एक बड़ा श्लोक में है, तो कल का सेशन अच्छे से लंबा होगा। आप लोग के पास, जिसके पास भगवद गीता नहीं है और जिसको फ्री PDF कॉपी चाहिए, आप लोग मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप लोग सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।